तो वेलकम दोस्तों, आज भी हमारे पास काफी इंटरेस्टिंग अपडेट्स हैं, जिसमें फाइट कंट्रोवर्सी एलविश यादव, लव कटारिया, यूके जर्सन राइडर, नेजी एंड बिग बॉस भी इंक्लूड हैं। तो वीडियो एंड तक देखना, एंड शुरू करने से पहले लाइक का बटन जल्दी से दबा दो। तो फर्स्ट अपडेट है लव कटारिया एंड नेजी के बारे में, जिनकी बिग बॉस के अंदर भयंकर फाइट हो गई और बहुत ज्यादा हंगामा खड़ा हो गया, जिसमें नेजी का एक स्टेटमेंट बहुत ज्यादा वायरल जा रहा है। उस पे एलविश यादव एंड काफी सारे क्रिएटर्स गुस्सा हैं और बहुत सारे लोग उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कुछ लोग उनके सपोर्ट में भी है। तो फाइट के दौरान जहाँ कटारिया ने बोला कि तू है कौन, उस पे नेजी ने कहा तू कौन है। लव कटारिया ने बोला नेजी अगर तू बाहर होता तो पता चल जाता तुझे, एक तो पे तीन थप्पड़। तो इसके बाद नेजी ने बोला कि गांव वाले भैंस चरा, दूध निकाल जा। तो उस पे लव कटारिया ने रिप्लाई करते हुए बोला ये गांव वाले ऐसे रेपटे मारेगा ना, पता चल जाएगा तुझे। तो इस पे लव कटारिया के फ्रेंड फरीदाबाद रॉकर्स का भी रिएक्शन आया, जिसमें उन्होंने जो नेजी ने गांव वाला बोला था उस पे रिप्लाई करते हुए कहा दूध निकाल, चल ठीक है भाई हम गांव के भैंस भी चराएंगे, दूध निकालेंगे और नाच उगाएंगे, ठीक है। तू मत तो नाच खा, मत भैंस को दूध पी। हालांकि तू कहां भैंस को दूध पीता होगा, तू थैली को दूध पीता होगा, जैसे जैसे तेरा दिमाग है, जैसी तू बात कर रहा है ना। देख गांव के लोग इज्जत करने में कभी कमी नहीं छोड़ते, उन तरह पंगा मत ले भाई, तमीज में रह, ठीक है, तभी कमीज में रहेगा आगे भाई, तेरी समझ में हिसाब तरह। गांव के लोग इनके बारे में ऐसे मत बोला, खासकर जो लोग लव कटारिया ना भाई हमारो। एंड इसके बाद एलविश यादव का भी एक ट्वीट आया, गांव का मतलब अगर भैंस चराना होता तो नेजी भाई आप आओ आपको चारा खिलाते हैं। एंड इसके बाद इंजीनियर एक्सप्लेन भी इस पे रिप्लाई की, ये कटारिया के सामने वाला कौन है, ये कह रहा है जाके भैंस चरा, भाई जितना बड़ा तुम्हारा पूरा कॉलोनी होगा उतने में हम लोग भैंस ढूंढते हैं, गाँव के लोग तुम्हारे जैसे छपरी नहीं होते हैं, अगली बार ये सोच समझ कर भौंकना। एंड इसके अलावा उन्होंने एक और ट्वीट किया, अच्छा तो यह है नेजी अपने मामू अब्बू के पैजामे को रेंट पे लेके 4 इंच छोटा करके पहनने वाला, अब दूसरों को गाँव गवार और भैंस चराने की नसीहत दे रहा है, मेको तेको वाला छपरी। तो इसके फाइट की वजह विशाल पांडे ने बात करते हुए बताई, नेजी ने प्लेटफॉर्म पर पड़े गंदे चावल को उन्होंने थाली में डाल के कटारिया को दिया, एंड काफी टाइम से कटारिया ने नोटिस किया कि नेजी उनको स्टार्टिंग से ही हेट करते आ रहे हैं, जब वो खाना डालते हैं तो वो इक्वली नहीं डालते हैं एंड वो उनकी आइडियोलॉजी के कारण उनको हेट करते हैं। तो नेक्स्ट अपडेट है इंडियन टीम के बारे में, कल मुंबई में इंडियन टीम का परेड था और भाई इतनी ज्यादा भीड़ इकट्ठी होगी, वहां से गाड़ी तक तो छोड़ो साइकिल भी नहीं निकल सकती थी। इसी बीच एक बंदा जहाँ से इंडियन टीम की बस जा रही थी वहाँ पेड़ पे बैठकर वीडियो बना रहा था, नेक्स्ट लेवल क्रेज था भाई साहब। आपको बताऊंगा अर्जेंटीना फीफा जीती थी तब उनके स्वागत में इतनी ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई थी, उसी तरह इंडियन टीम में भी क्रिकेट का क्रेज इतना ज्यादा हो गया है कि लाखों लोग मुंबई की सड़कों पे देखने को मिले। एंड इसके अलावा काफी एपिक मोमेंट देखने को मिले, जैसे कि इंडियन टीम का डांस जो कि काफी ज्यादा वायरल जा रहा है। एंड इसके अलावा एक अच्छी बात यह थी कि इतनी भीड़ में भी एक एम्बुलेंस को जाने के लिए रास्ता दिया गया। एंड इसके अलावा सबसे तकड़ा और आइकॉनिक सीन था जब विराट कोहली एंड रोहित शर्मा ने ट्रॉफी को पकड़ा एंड साथ में सेलिब्रेट किया। नेक्स्ट अपडेट है यूके जर्सन राइडर के बारे में, तो क्या यूके जर्सन राइडर को इस बंदे ने एक्सपोज कर दिया, जिस पे एलविश यादव भी रिएक्ट किए और यूके जर्सन राइडर ने भी रिप्लाई किया। तो संगम ने एक वीडियो डाला जिसमें वो काफी सारे एलिगेशन लगाए यूके जर्सन राइडर के ऊपर। तो बेसिकली उन्होंने बताया कि जब एलविश यादव बिग बॉस में थे तब वो यूके जर्सन राइडर ने एक सॉन्ग निकाला था सिस्टम नाम से, जो कि काफी ज्यादा वायरल गया था, तो उस सॉन्ग को लिखा एंड गाया था संगम ने। लेकिन हुआ क्या कि अभी कुछ दिन पहले यूके जर्सन राइडर ने टाइटल और डिस्क्रिप्शन में जो क्रेडिट
आदेश दिए थे संगम को वो उन्होंने रिमूव कर दिए। तो उसके बाद संगम ने ये वीडियो डाला जिसमें वो ये बोले, तो ये गाना UK07 के चैनल का सबसे ज्यादा व्यूज वाला वीडियो है। मैंने इतने मन से ये गाना गाया, लिखा और इसका म्यूजिक बनाया था। दोस्तों वैसे तो ये अपने व्लॉग्स में प्यार बांटने की बातें करता है, दान पुण्य की बातें करता है और इसका खुद का सगा भाई एक रैपर है, लेकिन इसने यूट्यूब पे इस गाने से मेरा नाम और निशान मिटा के मेरा हक छीन लिया। माना मैं कोई फेमस आर्टिस्ट नहीं हूँ, ना ही कोई सेलिब्रिटी हूँ, लेकिन मैं इससे इसके फैंस और इसकी बोट आर्मी से डरने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मुझे अपने देश के लोगों पर भरोसा है कि वो मेरे साथ गलत नहीं होने देंगे। तो इस पे UK07 ने रिप्लाई करते हुए कहा, ये सोशल मीडिया की लड़ाई क्यों? आपके पास मेरा नंबर था, तुम टेक्स्ट कर सकते थे इसके बारे में। उन्होंने बताया कि उन्होंने क्रेडिट्स को रिमूव नहीं किया, 2 days से मैनेजमेंट की तरफ से एरर चल रहा था, वी डिड 2 songs टुगेदर एंड यू वर पेड इन फुल, अगर क्रेडिट्स हटाने होते तो दोनों से हटाते, भाईचारा करते हो भाई, एंड देन यू पुट अप दिस रील, आई रिस्पेक्ट यू एज एन आर्टिस्ट बट जस्ट फॉर सम कॉन्ट्रोवर्सीज व्यूज एंड हाइप दिस वॉज बिलो द बेल्ट। तो उस पे संगम ने रिप्लाई किया, ऐसा कौन सा एरर है जिस पे स्पेसिफिक बंदों के नाम ही हट जाते हैं, सिस्टम सॉन्ग फ्री दिया था, दूसरे गाने की वीडियो डायरेक्शन की फीस ली थी मैंने, बस डोंट मैनिपुलेट, क्रेडिट्स हटाते वक्त मुझे कॉल करके पूछा था। तो उसके बाद UK07 ने वो कमेंट डिलीट कर दिया। तो इस पे एलिविश यादव भी कमेंट किए, क्या क्या देख रहा हूँ रोज, क्या मामला चल रहा है ये इंटरनेट पे। एंड नीरज गोयत भी रिएक्ट किए, किसी से काम करवा के उसका नाम हटा देना प्रोजेक्ट से बहुत ज्यादा गलत बात है। अनुराग डोभाल, ये तूने बहुत ज्यादा गलत किया, संगम ने दिल से काम किया था तेरे लिए। और आपको बताओ नीरज गोयत के संगम बहुत ही क्लोज फ्रेंड भी है। एंड इसके अलावा क्रेजी दीप ने बताया कि उन्होंने ये पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था, जिसमें उन्होंने 5 months पहले एक वीडियो का क्लिप शेयर किया। ये जो गाने का क्रेडिट है पूरा गाना और मिक्स करना और ये बीट, ये मैं देना चाहूंगा संगम विज्ञानिक भाई को, क्योंकि इन्होंने किया तो गुड वर्क भाई। लेकिन आई होप कि वो मोबाइल वाले पाजी की तरह ये आपके साथ बाद में स्कैम ना करे, पता चले कि भाई 1-2 महीने बाद आप इनमें डिस्ट्रैक बना रहे हो और हो सकता है। इसके अलावा उन्होंने एक और स्टोरी शेयर की, इस पे उन्होंने कहा, संगम भाई ने पे बैक में म्यूजिक किया, गाने की एंड बदले में जोकर भैया मेंशन कर दो जोकर को और बोलो लिखना सीख ले, संगम फुल सपोर्ट। एंड इतना कुछ होने के बाद UK07 राइटर ने वापिस क्रेडिट्स एंड टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। इस पे संगम का रिएक्शन भी आया, को पता है भारत की जनता से UK07 राइडर डर गया है। दोस्तों आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा कि कैसे इस जोकर ने मेरे गाने सिस्टम, जो कि इसके चैनल का सबसे ज्यादा व्यूज वाला वीडियो है, उसमें से मेरा नाम हटा दिया और मेरे क्रेडिट्स हटा दिए हैं, और अब मेरे लिए आप सबका सपोर्ट देखकर ये भोला बन रहा है। और इसने कमेंट में ये बोला कि एरर की वजह से मेरे क्रेडिट्स हट गए थे। अरे ऐसा कौन सा एरर होता है जिसमें स्पेसिफिक बंदे का नाम और उसके क्रेडिट्स हट जाते हैं। और कमेंट में ये भी लिख रहा है कि 2 दिनों से क्रेडिट गए हुए थे, और जरा ये कमेंट देखो जो सिस्टम गाने के ऑफिशियल वीडियो पे 6 दिनों पहले आया हुआ था, जिसमें लिखा हुआ है संगम का नाम हटा दिया वाय। अरे दोस्तों इसका झूठ तो यहीं पकड़ा गया। एलविश भाई ने भी मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया था कि ये क्या मामला है। तो एलविश भाई, सिस्टम वर्ल्ड आपका ही है और ये गाना आप ही के अराउंड बना है, तो प्लीज मेरा साथ दो, क्योंकि आप हमेशा सही का साथ देते हो। UK07 ने डर के सिस्टम गाने के मेरे क्रेडिट्स तो वापस कर दिए हैं, लेकिन अभी भी मुझसे पब्लिकली सॉरी नहीं मांगा है। और इसका दूसरा गाना पे बैक, जिसका मैं म्यूजिक डायरेक्टर भी हूँ और वीडियो डायरेक्टर भी हूँ, मेरे उसके भी क्रेडिट्स हटा दिए गए, क्या ये भी एक एरर है? और पैसों की बात तो ना ही कर, यूके सिस्टम गाना तेरे को फ्री दिया था क्योंकि एलविश भाई से प्यार इतना है, और पैसे मैंने सिर्फ दूसरे गाने पे बैक की वीडियो डायरेक्शन के लिए थे, क्योंकि मैंने अपने पूरे 3 दिन लगाए थे उस प्रोजेक्ट पर। और उसके बाद वो एक और स्टोरी में बोले, कौन से 2 days, हफ्ता हो गया, झूठ पकड़ा गया तो कमेंट डिलीट कर दिया खुद ही, और अपने पेड फैन पेज से नैरेटिव फैला रहा है कि मैंने डिलीट किया है उसका कमेंट। एंड उन्होंने इसके साथ दिखाया कि एक कमेंट आया हुआ था जो 6 दिन पहले का था, एंड UK07 राइडर 2 days का एरर बता रहे हैं। तो चलो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है, और हमारे चैनल की मेंबरशिप हमने चालू कर दी है, अगर कोई मेंबर बनना चाहता है तो ज्वाइन बटन पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकता है।